चलो ब्रेड लेकर आएंगे। दोस्तों वेलकम टू मुंबई 43। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों अभी निकला हूँ अपने बेटे के साथ ब्रेड लेने के लिए। तो आज दिन है 21 अप्रैल, दिन वेडनेसडे, और शाम के 6 बज रहे हैं। तो दोस्तों मैं बाहर निकला हूँ जरा अफ्तारी के लिए, कुछ सामान लेना है। ब्रेड देना, एक ब्रेड छोटा वाला, छोटा वाला एक ब्रेड, बस काम करना, बड़ा वाला देना, ठीक है देगा। दोस्तों ब्रेड ले लिया हूँ, अब मुझे लेना चाय पत्ती। चलो देखता हूँ जरा, लॉकडाउन चालू है, पता नहीं शायद दुकान खुली होगी कि नहीं खुली होगी, बंद होगी पता नहीं, देखता हूँ मैं चलकर। बंद है यार, यहाँ पर तो सब दुकान बंद है, चाय पत्ती की भी दुकान बंद है, पूरा मार्केट बंद है, पुलिस वाले सबको भगा रहे हैं। ओ माय गॉड, वहाँ से वापस जाना पड़ेगा, नीचे पुलिस वाले। तो दोस्तों वापस चलता हूँ मैं, यहाँ पर दुकान सब बंद है, मार्केट से सब बंद है, सभी दुकानें बंद है। ओहो, वापस जाना पड़ेगा, बाद में आऊँगा जब ऐसा लगेगा कि हाँ दुकानें खुल गई हैं, तब आऊँगा चाय पत्ती लेने के लिए। तो दोस्तों जब तक तो चलता हूँ मैं, दूसरा कुछ काम बढ़ा लेता हूँ मैं, तो अभी तो यहाँ पर सब बंद है। घर से मास्क ले लेता हूँ मैं, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। अब सही है, मास्क लगा ले जाऊँ, अब कोई डर नहीं है, अब बेफिक्र मार्केट करो, शॉपिंग करो। सिर्फ मेरे बेटे के लिए मास्क नहीं है। तो दोस्तों चाय पत्ती तो नहीं मिली, मुझे अभी लेना है खजूर और पाव लेना है। मैं चल के पहले खजूर और पाव ले लेता हूँ मैं। इस ये रोड तो चालू है, वाला मार्केट का रोड बंद है, तो पहले खजूर। अच्छा है कि ये रोड चालू है, यहाँ पर खजूर मिल जाएगी। यहाँ पर पूरा भीड़ है, देख सकते हो आप लोग, पूरा तो मार्केट यहाँ पर चालू है। ये क्या खजूर है? खजूरें मालूम है मुझे भी, कैसा किलो है? किलो नहीं, डब्बा है वो, 130 रुपये। खजूर नहीं है, एक किलो नहीं है वो, 130 रुपये डब्बा है वो। अच्छा, तो इस पर कितना है? 550 ग्राम रहेगा, 640 ग्राम, मतलब आधा किलो के आसपास है। तो खजूर ले चुका हूँ मैं, और मुझे लेना है पाव, और बस सिर्फ पाव बाकी है। पाव ले करके मैं चला जाऊँगा घर, और टाइम हो चुका है इफ्तारी का। तो दोस्तों टाइम तो चला है, तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।